लेवल पे जो है वो लेके जाएंगे। ये तमाम तर तफसीलात हैं, एक्सपर्ट पैनल हमारा हमारे साथ मौजूद है जिसमें रजा सैयद साहब हैं, वारिस रजा साहब हैं और सफीना खान साहबा हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। रजा सैयद साहब, रजा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है के पी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ, और मदे मुकाबिल हैं, अपोनेंट हैं सियासी जमातों के लिहाज से, लेकिन वहाँ पर बात की गई कि रियासत सांझी है और कुछ मुतालबात थे वाजबात के हवाले से और टीम के हवाले से और हकूक़ के हवाले से कि के पी हुकूमत को भी जो है हकूक दिए जाएँ, और यकीन दहानी करवाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, क्या कहेंगे? देखिए, खुशाइन है ये मुलाकात, इसलिए कि जमहूरियत के फ्रेमवर्क में और सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहते हुए एक सूबे का वज़ीर आला मुलाकात कर रहा है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ। इस मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंटेरियन फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के तहत माजी में भी अगर हम देखें तो हमने देखा कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि सूबे में और वफाक में अलहदा अलहदा जमातों की हुकूमतें थीं, और ये वो जमातें थीं कि जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आई थी, जैसा कि वफाक में नून लीग की हुकूमत रही, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, इसी तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के वजीर आला बने 1988 में, और बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो वफाक में वजीर आजम बनी। तो वो भी एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि जिसके अंदर सूबे और वफाक के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप की अहमियत को समझने का मौका मिलता है हमें। कई मरतबा ऐसा होता है कि सियासी तौर पर या सियासी राइवलरी की बुनियाद पर मुतहरिक सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करती हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अवामिल हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशंस हैं सूबों की वफाक की तरफ और वफाक की सूबों की तरफ, उनको बहरहाल पूरा करना पड़ता है, और उनको पूरा करने के लिए रियासत का जो फ्रेमवर्क है वो भी मुतहरिक होता है और जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है वो भी अपना किरदार अदा करता है। गंडापुर साहब वो के बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चरिंग के साथ आए हैं सामने, और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी उनके बयानात काफ़ी तेज़ोतन थे, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अपने रवैये के और अपने लहजे की तेज़ी को बरकरार रखा। काबिले फहम है उनके लीडर जेल में बंद हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में उन्होंने ये वक्त गुजारा है, तो उनके उनके लबो लहजे का जो एग्रेशन है उसको काबिले फहम समझता हूँ मैं, उसको एंडोर्स नहीं कर रहा लेकिन काबिले फहम समझता हूँ। अब गंडापुर साहब के जो मुतालबात हैं बहैसियत चीफ मिनिस्टर, उन मुतालबात को पूरा करना इस हद तक कि वो आईनी हो वफाक की जिम्मेदारी है। जहां तक मेरी ओरिएंटेशन है, दो बड़े अहम मुतालबे होते हैं ब्यूरोक्रेटिक हवालों से। एक तो ये कि चीफ सेक्रेटरी की जो तैनाती होती है सूबे में वो वफाक का उसमें एक अमल दखल होता है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी वाइस ग्रेड का एक अफसर है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के तहत काम करता है, तो उसको जब कोई सूबा मांगता है चीफ सेक्रेटरी के लिए ब्यूरोक्रेट को वाइस ग्रेड के, तो उस ब्यूरोक्रेट को रिलीज करना या उस ब्यूरोक्रेट को तैनात करने का इख्तियार वफाक के हाथ में होता है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन से तैनाती होती है। इसी तरह जो आईजी होता है सूबे का, इंस्पेक्टर जनरल, वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का 21 या 22 ग्रेड का अफसर होता है, और उसकी तैनाती जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नोटिफिकेशन की मरहूम मिन्नत होती है। तो ये दो बड़े कलीदी अफसरान जो है सूबाई ब्यूरोक्रेसी के, इनकी तैनाती जो है वो वफाक के तावुन के बगैर नहीं होती मुमकिन। तो ये सबसे पहला एक माइलस्टोन होता है जो किसी भी नई बनने वाली हुकूमत को उभर करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि गोके आज इस पर खबर नहीं बनी, लेकिन यकीनन गुफ्तगू में ये बात भी हुई होगी कि चीफ सेक्रेटरी किसको लाना चाहते हैं के पी के में गंडापुर साहब, और के पी के में वजीर आला किसको लाना चाहते हैं गंडापुर साहब। अच्छा, हमने कल ये खबर भी देखी कि गंडापुर साहब के ऊपर एक नई इन्वेस्टिगेशन खुल गई है जिसके लिए 26 मार्च को उन्हें तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इस इन्वेस्टिगेशन का जो ताल्लुक है वो एक ऐसी खित्ता अराजी की फरोख्त और उससे आने वाले पैसों से किसी लैंड क्रूजर गाड़ी की खरीदारी से मुतालिक है कि जिसके बारे में अब तक की जो इतलात सामने आई है उसमें कहा गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी की जमीन बेचकर, यानी किसी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन से हासिल होने वाले जो माली फवायद हैं उनसे एक लैंड क्रूजर गाड़ी खरीदी, जो कि जाहिर है आजकल 10-12 करोड़ रुपए की कम से कम आती है। तो इस प्रॉपर्टी की प्रिक्योरमेंट को, उस जमीन को बेचने और इस नई मूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने का जो अमल है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है किसी किस्म का डेटा अली अमीन गंडापुर साहब के नाम के साथ। तो उन्होंने